तो मशरूम को फाइनली हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। ये बहुत बड़े हो चुके हैं, मेरे को लग रहा है ना कि और देर लगे रहने दूंगी तो शायद ख़राब हो जाए। मतलब ख़राब तो नहीं मगर थोड़े सूख जाते हैं ये, इसलिए ना अभी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। और आप देख सकते हो कैसे ये भी लटक गया है बिल्कुल ही। इसको मैं स्टोर करने वाली हूँ एक प्लास्टिक बैग में जिसके अंदर थोड़े होल्स हैं। आप चाहो तो पेपर बैग में भी स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में। तो मैंने हार्वेस्ट करने वाली हूँ और प्लास्टिक के बैग में ही मैं स्टोर करके रखूँगी। इन्हें हार्वेस्ट करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, जस्ट ट्विस्ट करना होता है ऐसे इनकी रूट से जिससे कि आसानी से निकल आए। और कितने प्यारे हमारे मशरूम निकल के आ चुके हैं, जस्ट लुक एट दैट, इट लुक्स लवली। ये ना सजर काजू वेराइटी होती है विच इज़ बेसिकली ब्राउन ऑयस्टर मशरूम, इसलिए इनका कलर थोड़ा ब्राउन साइड पर है। लास्ट टाइम मैंने ग्रे ऑयस्टर मशरूम ग्रो किए थे, इट लुक्स सो प्रिटी। तो इन्हें मैं ऐसे प्लास्टिक बैग में रख रही हूँ जिससे कि सूखे ना और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं इन्हें। दोबारा से हम ऊपर वाले को भी ऐसे ही निकाल लेंगे थोड़ा सा ट्विस्ट करके। दो बंचेस तो एक विंडो से ही निकल आए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब सामने से जो कि मेन ग्रोथ आई है इसे हार्वेस्ट करना है, इसे भी ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करके निकालना है। ये छूने में काफी सॉगी एंड मशी लगते हैं तो घबराए नहीं, बस निकाल लें। और एक मशरूम को तो चोट भी लग गई निकालते टाइम, दैट इज सो सैड। और ये इतना बड़ा सा बंच भी निकल आया है मशरूम्स का। अच्छा ध्यान रहे कि ना इन्हें आप अभी ना धो के रखे, जब बनाना हो तभी धोए वरना ये खराब हो जाते हैं, इनमें पानी चला जाता है। बैग फुल ऑफ मशरूम हमने हार्वेस्ट कर लिए, कितने सारे मशरूम निकल के आए हैं आप देख सकते हो।